कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर जी अब मेरा सिंक जो है ना वो लगने जा रहा है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल गुज़र चुके हैं और अब जो है ना यहाँ पर सिंक जो है मेरा इंस्टॉल होने जा रहा है। तो छोटे वाले किचन में तो खैर उसी वक्त लगा दिया गया था सिंक, क्योंकि ज़ाहिर है सिंक की तो ज़रूरत थी। तो बस यहाँ पर भी लगना था, डबल सिंक लगना था यहाँ पे। और उस वक्त जो था ना, जब किचन हमारा बन रहा था तो उस वक्त हमारा बजट जो था वो बिल्कुल आउट हो चुका था। तो क्योंकि जो रेट्स हम लोग मालूम करके आए थे सामान सारा, तो जब हम लेने गए ना तो रेट्स जो थे ना वो बढ़ चुके थे। तो खैर जी फिर बजट जो था आउट हो चुका था उस वक्त, तो खैर सिंक रह गया था मेरा। और फिर ये होता है ना कि जब कोई एक चीज़ रह जाती है ना तो फिर वो लंबे अरसे तक रह ही जाती है। फिर वो ये होता है कि चलो जी नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, अगले महीने लगा लेंगे, बस यही होता रहता है। तो बस इसी चक्कर में जो है ना तकरीबन 1.5 से पौने 2 का अरसा गुज़र गया। तो खैर जी अब जो है ना हस्बैंड साहब ने कहा कि चलो जी मैं जो हूँ ना ये काम करवा देता हूँ आपका, क्योंकि मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो खैर जी फिर मैंने हस्बैंड साहब से जब कहा कि नहीं मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, तो फिर उन्होंने कहा चलो जी अब ये मैं करवा देता हूँ। तो खैर जी यहाँ पर जो है ना अब कटिंग होगी इसकी, जो ये मार्बल लगा हुआ है इसकी कटिंग होगी, उसके बाद जी सिंक इसमें जो है लगेगा। सिंक जो है वो रखा हुआ है, उसके साइज़ की ही कटिंग हो रही है, पूरा साइज़ उसका लिया गया पहले और फिर इस तरह से टेपिंग कर दी गई और फिर हो रही है जी कटिंग। और इसके नीचे जो है ना कैबिनेट के अंदर जो है बाल्टी वगैरह सामान ये सब चीज़ें रख दी थी, ताकि ये जो कटिंग वाला पीस है ना ये एकदम से अंदर ना गिर जाए, गिर के टूट ना जाए, तो इसलिए अंदर जो था सामान रख दिया गया था। अच्छा, पूरे किचन में ना ब्लैक कलर की डस्ट, पूरी डस्ट हो गई थी, डस्टी हो गया था पूरा किचन, दीवारें, फर्श और पूरा मार्बल टॉप जो हमारा काउंटर टॉप है वो हर जगह जो थी ना डस्ट, ब्लैक कलर की डस्ट, ये जो पीस कटा है ना इसकी डस्ट जो थी ना बहुत ज़्यादा उड़ी। तो खैर जी यहाँ पर अब ये देखें सिंक भी जो है लग गया और पूरा मैंने अच्छी तरह से जो है सारा साफ़ किया और बहुत मेहनत लगी इसको साफ़ करने में, दीवारें साफ़ कीं और काउंटर टॉप साफ़ किया अपना। और ये देखें जी ये इस कैबिनेट के नीचे का सामान कुछ निकला हुआ है, अभी मैं करूँगी सेटिंग, क्योंकि अभी नीचे से थोड़ा सा गीला है क्योंकि टैप वगैरह इसका लगाया था ना तो नीचे जो है ना पानी गिरा था, तो नीचे से खुश्क हो जाएगा ना जब ये देखें, तो जब ये नीचे से खुश्क हो जाएगा ना तो फिर मैं यहाँ पर जो है सामान जो भी रखने वाला है यहाँ पर रख दूँगी। तो खैर जी बहुत आसानी हो गई, अभी मैंने इस्तेमाल करना तो नहीं शुरू किया है लेकिन बहुत आसानी हो जाएगी मुझे। और यहाँ पर जी मैंने बनाया है केक। अच्छा ये जो है ना ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि कल बहुत देर हो गई थी सिंक लगते लगते, तो खैर जी फिर ये नेक्स्ट डे जो है मैंने वीडियो अपनी दोबारा से यहाँ से स्टार्ट की। केक मैंने फटाफट बेक कर लिया था, मुझे बनाना था मीठा, उसके लिए मुझे चाहिए था केक, तो घर में बच्चे भी नहीं थे और हस्बैंड साहब भी नहीं थे, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, आप किससे मंगवाऊँ, मेरा ख़ुद भी मूड नहीं था कि मैं जाकर लेकर आऊँ, क्योंकि सफ़ाई वगैरह जो थी ना कुछ रात को ही कर ली थी, जो थोड़ी बहुत रह गई थी फिर वो मैंने दिन में भी की, तो बहुत ज़्यादा जो है ना फिर थकन हो गई थी, बाहर जाने का मूड नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने कहा चलो मैं घर में ही बेक कर लेती हूँ फटाफट। और यहाँ पर मैंने ना ये केक वाला जो कस्टर्ड होता है ना सिंपल, ये मैंने बना लिया था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाया था और जेली भी मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ही ले ली थी। अच्छा रेसिपी मैंने जो है ना आपको इसमें नहीं दी, और वैसे भी ये बहुत ईजी है और बहुत सी रेसिपीज़ हैं इसकी मेरे चैनल पर, अगर आप मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करके आप रेसिपीज़ देख लीजिए। अब मैंने सोचा ये है कि जिस जिस चीज़ों की मैंने रेसिपी बहुत ज़्यादा दे दी हुई है ना तो वो मैं अपना रेसिपी नहीं दिया करूँगी, उससे उसकी जगह जो है ना रेसिपी की जगह हम बातें कर लिया करेंगे।
ठीक है जी, तो आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताया करें भाई, कमेंट कर दिया करें। अच्छा जी, खाने में ना मैंने बना लिया था अचार गोश्त, मैंने बनाया था चिकन अचार गोश्त बनाया था मैंने खाने में। बस ये अब ये है कि खाएंगे खाना, रात का टाइम है और दूसरे चूल्हे पे साथ ही मैंने चाय भी बनने रखी हुई है, वही गैस की प्रॉब्लम। तो खैर जी, बस ये है कि खाना वाना खा के फिर हम करेंगे जी रेस्ट चाय पीने के बाद, और अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।